ना उदय और ना अस्त, केवल अविरत, क्योंकि मैं समय हूं। हमारी सुंदर अवनि पर इतिहास और प्राचीन सभ्यता से भरे हमारे भारत देश में एक ऐसा प्रदेश जो अपनी गोद में सबसे ज्यादा धरोहर लेकर बैठे हैं, हम बात करते हैं राजस्थान की, जहां एक से बढ़के एक प्राचीन और विश्व धरोहर है, जिसे इतिहास और धरोहर का राज्य भी कहा जाता है। यहां हरे भरे जंगल, पहाड़, झरना और एक शौर्य उदार सभ्यता बसी है। यहां की वादियां, गांव, गलियारा मन लुभावन है। यहां अरवल्ली की पहाड़ी में स्थित एक ऐसी जगह जो हमें बार बार देखने को लुभाती है। आज हम आपको सैर करवाते हैं एक ऐसी ही प्राचीन धरोहर की, जो न केवल सुंदर है लेकिन अपने अतीत में भव्य इतिहास और धरोहर को संजो के बैठी है। मैं ऐसी प्रतापी भूमि का नाम लेते हुए भी गर्व महसूस करता हूं। मैंने अपनी आंखों से एक एक क्षण को देखा है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। कुंभलगढ़। मैं पहुंच गया हूं। इस जगह का नाम है प्रताप चौराहा। सो यहां से लेफ्ट की रोड रणकपुर जाती है और राइट की तरफ ओके, तो यहां से मैं जाऊंगा कुंभलगढ़। ओके तो कुंभलगढ़ जाने का ये पहला प्रवेश द्वार है। थैंक्स गूगल, जो तूने पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करके रखा है। चलो अब मुझे अपनी कुंभलगढ़ की ब्यूटीफुल जर्नी शुरू कर ही लेनी चाहिए। वाह, सो ब्यूटीफुल। अगर शुरुआत इतनी खूबसूरत है तो एंड क्या रोमांटिक होगी यार। बहुत ओवर स्मार्ट समझ रहा है अपने आप को। बताती हूँ उसको आचल पटेल पर कमेंट करने का रिजल्ट क्या होता है। हल्ला पुल। ओके, तो यही वो जगह है जहाँ पे दुश्मन के आने का आगाज होते ही एक सैनिक जोर जोर से हल्ला मचाता था, जिसकी आवाज तीसरे गेट तक पहुंचती थी और उसी क्रम में महाराणा कुंभा तक भी पहुंच जाती थी, और सारे सैनिक सतर्क होकर दुश्मनों के छक्के छुड़ा देते होंगे। उस जमाने में भी बिना मोबाइल फोन, बिना टेलीफोन भी ऐसी खतरनाक कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी थी। अमेजिंग। तो उस गेट का नाम है हनुमानपुर। चलो वहां चल के देखते। वाओ, उस लड़के के रहते अब मुझे गाइड की क्या जरूरत। पहले वो मेरा पीछा कर रहा था, अब मैं उसका पीछा करूंगी और चुपके चुपके कुंभलगढ़ का सब नॉलेज लेते हुए ये सफर पूरा कर ही लूंगी। दादी को कॉल करना है। हेलो दादी। हाँ दादी, आप मेरी बिल्कुल टेंशन मत लेना। हाँ दादी, मुझे ऐसा गाइड मिल गया है जो मुझे किले की सब हिस्ट्री फ्री में बताया चला जा रहा है। हाँ हाँ, अभी मैंने कुंभलगढ़ किले की दो गेट पार कर लिए और तीसरे गेट का नाम है हनुमान पुल। जरूर इस नाम से ना हनुमान जी का कोई ना कोई कनेक्शन रहा होगा, जिसका पता अभी उस स्ट्रेंजर गाइड से चल जाएगा। चलो दादी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बाय। हनुमान पुल के चौगान में स्थित हनुमान जी की प्रतिमा मंडोर से स्वयं महाराणा कुंभा लेकर आए थे। वाह, हनुमान जी के दर्शन करके मानो अंदर एक अलग ही जोश नई ताकत आ चुकी है। लेकिन हाँ,
मुझे जल्द से जल्द टिकट काउंटर से टिकट लेकर मुझे इस किले को देखना शुरू करना चाहिए। पता नहीं ये पूरा किला देखने में कितना समय लग जाएगा। दादा टिकट कितने की है? 15 रुपये। अच्छा एक देना ना। थैंक यू। तो ये राम पोल है जो कुंभलगढ़ का मुख्य प्रवेश द्वार है। ओ यानी कि ये वो मेन गेट है जिसे बड़े बड़े मुगल महायोद्धा भी पार ना कर सके। लेकिन मैं इसे बड़े आसानी से पार करके अंदर जाने वाला हूँ क्योंकि मुझे इस विशाल दुर्ग की महान कहानी सभी को बतानी जो है। लेकिन हाँ एक बात जरूर कहूंगा, इसमें मिस्टर गूगल की बहुत सहायता रही है मुझे क्योंकि मैं जो भी देख रहा हूँ जो भी बोल रहा हूँ ये सब गूगल से ही तो पता चल रहा है। तो अब समझ आया कि वो स्मार्टी सारी जानकारी लेकर कैसे बांट रहा था। पर मैं भी कोई कम स्मार्ट नहीं जो बिना नेट पर मेहनत की है कुंभलगढ़ किले की सारी नॉलेज फ्री में बटोर रही हूँ। चलो मैडम, अगर आज मैं नहीं होता ना तो गारंटी तुम्हारी बॉडी की एक ना एक हड्डी जरूर टूट गई होती। माय नेम इज आंचल, आंचल पटेल। बट मैंने तो तुम्हें तुम्हारा नाम पूछा ही नहीं। पर मैंने तो बता दिया, अब तुम्हें भी बताना होगा। वाह मानना मान, मैं तेरा मेहमान। खैर चलो अब तुमने पूछ ही लिया तो मैं भी कह देता हूँ, मेरा नाम है अनुज शर्मा। हाय। हे, हम दोनों का नाम सेम अक्षर से शुरू होता है, मतलब हम दोनों की राशि सेम है। सो अरे हुआ ये कि हम दोनों की खूब जमने वाली है, और वैसे भी हम दोनों का मकसद तो सेम है। आप भी कुंभलगढ़ फोर्ट को देखने आए हैं और मैं भी इस ग्रेट फोर्ट की ग्रेट हिस्ट्री को जानना चाहती हूँ, तो क्यों ना इस सफर का शुरुआत साथ साथ करें। ठीक है तो चलो शुरुआत इससे करते हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ ग्रेट वॉल ऑफ कुंभलगढ़। पर ग्रेट वॉल तो चाइना में है। नेवर माइंड, हमारे विश्व में दो ग्रेट वॉल्स है जिसमें से एक जो सबसे दूसरा बड़ा है वो कुंभलगढ़ का ग्रेट वॉल है। रियली? अब जितना रेली रेली कर ले हो ना, उस प्राचीर के ऊपर जाने के बाद तुम शॉक्ड रह जाने वाली हो, और तुम्हें गर्व होगा हमारे देश की संस्कृति पे और उसकी तकनीक पे कि किस तरह महाराणा कुम्मा ने उस जमाने में भी इतना विशाल किला बनाया था। चले चलो। माइंड ब्लोइंग, ये प्राचीर कितनी लंबी और ये दुर्ग कितना बड़ा और भव्य नजर आ रहा है। कहा था ना सरप्राइज हो जाओगी इतनी लंबी और चौड़ी दीवार देख के। हाँ अनु, सीरियसली, ओ आई एम सॉरी, मैं आपको अनु बुला सकती हूँ? चलो ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। क्या? अगर मैं तुम्हें आंची बुला सकता हूँ तो यू कैन कॉशियली कॉल मी अनु। ओके, पर उससे पहले आपको ये बताना होगा कि इस प्राचीर और इस दुर्ग को बनाने वाले वो महान व्यक्ति कौन थे। श्योर। राजस्थान के राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में बसे हुए इस विशाल प्राचीर का निर्माण सूर्य समान तेजस्वी महान हिंदू धर्म रक्षक महाराणा कुंभा ने किया था। अच्छा, पर एक बात बोलूं, कुंभलगढ़ की सच में एक सुपर्ब स्टोरी है। भारत के गणराज्य राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित कुंभलगढ़ फोर्ट की प्राचीर 36 किलोमीटर लंबी है और 10 घोड़े एक साथ दौड़ सके इतनी चौड़ी है। यह दुर्ग समुद्र तल से 1100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस दुर्ग के निर्माण में 15 साल लगे थे जबकि इसका निर्माण कार्य 2400 घंटे चलता था।
कहा जाता है कि इस किले में रात के समय काम करने वाले मजदूरों को रोशनी के लिए रोजाना 50 किलो घी और 50 किलो रुई का इस्तेमाल करके बड़े बड़े दिए जलाए जाते थे। सन 1443 से 1458 तक ये सिलसिला जारी रहा। आखिर एक ऐसा भव्य दुर्ग तैयार हुआ जो सदा सदा के लिए अजय रहा। इस दुर्ग के ऊंचे स्थानों पर महल, मंदिर व राज परिवार के लिए इमारतें बनाए गए और समतोल भूमि का उपयोग कृषि कार्य के लिए किया गया। वहीं ढलान वाले हिस्से में विशाल जलाशयों को बनाकर ये दुर्ग को पूर्ण रूप से स्वावलंबी किया गया था। इस दुर्ग के भीतर 360 से भी ज्यादा मंदिर है, जिसमें 300 जैन मंदिर है और बाकी हिंदू देवी देवता के मंदिर है। कहा जाता है कि 2000 साल से पहले जैन सम्राट अशोक के दूसरे पुत्र संप्रति ने यहाँ पर बहुत सारे जैन देव देवियों का मंदिर बनवाया था। यहाँ स्थित मंदिरों के भग्नावशेष भी इस बात का समर्थन करते हैं। महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण पूर्ण होने पर इनकी याद में मुद्रा बनवाई थी, जिन पर अजय दुर्ग और इसका नाम अंकित था। दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आपके पुरखों की सांस्कृतिक विरासत आपकी अगली पीढ़ी तक भी पहुंचे? क्या आप हमारे महान पूर्वजों जैसे कि पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे शूरवीरों के गौरवशाली इतिहास, उनके शौर्य और बलिदान से जुड़े कई रोचक तथ्य, उनकी यशोगाथाओं, अनेकों किले और महलों को इसी तरह करीब से देखना चाहते हैं? जी हाँ दोस्तों, हम इसी तरह लेकर आते रहेंगे भारत भूमि की महान गाथाएं। अगर आप सभी को हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है और अगर आप भी हमारी इस ऐतिहासिक जर्नी में हमारा सहयोग करना चाहते हैं, तो इस आईडी पर अपनी इच्छा अनुसार कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं। PID garvix@baroda.mp। आप मुझे इसके और कुछ मजेदार किस्से सुनाएंगे? तुमने मुझे अपना गाइड वगैरह समझाया क्या? नहीं, पर अब हम आपसे तुम पे आ गए हैं, तो अब हम दोस्त हैं, आप इतना तो कर ही सकते हैं। तो चलो, इस नई दोस्ती की शुरुआत में मैं तुम्हें कुछ ऐसा दिखाता हूँ जो देख के तुम बहुत खुश हो जाओगी। जैसे? चलो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कठारगढ़ का शानदार किला। पर पहले कुंभलगढ़ का तो किला तो देख लेना। हाँ जी, कठारगढ़ का किला कुंभलगढ़ के किले के अंदर ही है। मतलब किले के अंदर किला? That's interesting. लेकिन उससे पहले तुम्हें सुननी होगी एक अजीब दास्तां इस भैरव पोल के बारे में। इस किले का जब जब निर्माण करने की कोशिश की गई, तब तक अनेक बाधाएं आई। तभी महाराणा कुंभा ने भैरव बाबा से इस समस्या का निवारण मांगा। उस समस्या का समाधान भैरव बाबा ने इस अनुसार दिया कि एक नर बलि देनी होगी। अंत में भैरव बाबा ने राजहित में स्वयं की बलि देकर इस भव्य दुर्ग की नींव रखी। ये देखो, ये है भैरव बाबा का मंदिर। यहाँ पर उनका सर गिरा था और जहाँ पर उनका धड़ गिरा था वहाँ पर अब एक स्मारक बनाया गया, जो मैं तुम्हें बाद में दिखाऊंगा। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कठारगढ़ का वो विशाल किला जो अपनी पूरी आगोश में इस राजमहल को समेटे हुए है और उसे तब से सुरक्षा दे रहा है। कठारगढ़ उर्फ करतारगढ़ का ये किला टोटल 2 किलोमीटर में फैला हुआ है और उसके अंदर पूरा रॉयल पैलेस है, जिसे रॉयल फैमिली को अधिक सुरक्षा देने हेतु बनाया गया था, लेकिन कभी ऐसी नौबत आई ही नहीं। OMG, कितनी पुरानी और स्ट्रॉन्ग है ये तोप। Obviously यार, old is gold। ये तोपे उस जगह रखी जाती थी जहाँ से दुश्मन के घात लगाकर आने की संभावना अधिक होती थी। अच्छा, पर महाराणा कुंभा के जमाने में तोप का आविष्कार हो चुका था? नहीं, तोप का आविष्कार तो वैसे उनके आने वाली पीढ़ियों में हुआ था। अच्छा, पर लेकिन ये जो क्षत्रिय थे वो तोप का इस्तेमाल करना कायरता समझते थे। क्यों? क्योंकि वो कायरों के भांति छुपकर प्रहार नहीं करते थे। क्यों? उनका मानना ये था कि छुपकर प्रहार क्यों करें, आमने सामने जाकर युद्ध करें। सही, तभी तो उनका नाम आज भी इतिहास के पन्नों में अमर है। वैसे अनु, तुम्हें हिस्ट्री का इतना नॉलेज कैसे? ओह कम ऑन, आई जस्ट लव हिस्ट्री। आई मीन, मेरे लिए हमारे देश की संस्कृति, कला, ये महान पुरुषों के जो पराक्रम थे उन्हें लोगों के सामने प्रस्तुत करना ही तो सब कुछ है। तभी तो मैं हिस्ट्री में PhD कर रहा हूँ। अच्छा,
तभी सोचूं कि तुमने मुझे हर ऐतिहासिक चीजों के बारे में इतना आसानी से कैसे बता दिया। अब तुम्हें एक और बात बताता हूँ। बताइए। ये जो तुम्हें ग्राउंड दिख रहा है, हाँ, कितना बड़ा है ये ग्राउंड। ये ग्राउंड हुआ करता था जहाँ पर हाथी राज करते थे। पर हाथी कहाँ है? अब तो सिर्फ उनकी यादें रह गई है, उन हाथियों की जो एक जमाने में यहाँ के राजा थे। हाथी? अरे मेरा मतलब है जो रॉयल परिवार के जो गेस्ट होते थे, उन्हें हाथियों पर यहाँ तक ले आया करते थे और यहाँ से उन्हें घोड़ों पर महल तक ले जाया जाता था। फिर वहाँ पे एक द्वार आता था, वहाँ से वो पैदल महल तक जाते थे। ये खंडर दिख रहा है तुम्हें? हाँ। ये घोड़ों का अस्तबल हुआ करता था। रॉयल गेस्ट जिन घोड़ों पर आते थे उन घोड़ों को यहाँ विश्राम करने ठहराया जाता था और रॉयल गेस्ट को यहाँ से पागड़ा पोल होते हुए महल तक ले जाते थे। अच्छा, ये दिख रहा है तुम्हें? वाओ, कितना ब्यूटीफुल प्लांट है। यस, ये उस जमाने का वाटर स्टोरेज प्लांट है। तो उस जमाने में भी मतलब ये टेक्नोलॉजी आ चुकी थी क्या? ऑब्वियसली, बारिश का पानी यहाँ से स्टोर होते हुए उस वो दिख रहा है तुम्हें? हाँ। वहाँ पर वाटर फिल्टर होने के लिए जाता था और वहाँ से वो हर राजमहल के राज परिवार के लोगों के कमरों में भेजा जाता था। ओके, बट दैट्स अमेजिंग कि उस जमाने में भी लोग इतनी ज्यादा मतलब इतना आविष्कार हो चुका था। मैंने तुमसे कहा था ना कि महाराणा कुंभा ने बहुत ही यूनिक आर्किटेक्चर से इस पूरे किले का निर्माण किया था। दोस्तों, अगर आपको ये शो अच्छा लग रहा है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हम हमारे भारत की भव्यता, सुंदरता और विरासत को ज्यादा से ज्यादा दिखा पाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को नॉलेज दे पाए। और आपको बताना चाहूंगी कि प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन जरूर दीजिए ताकि हम हमारे शो को और बेहतर और बेटर बना सके।